हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मयंक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो नोइंगली और अननोइंगली हम सभी ने यूज़ किए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन में जो प्लस का साइन है उसे हम कहते हैं ऑपरेटर, और जो इसके साइड में 6 और 4 जो वैल्यू दी गई है उसे हम कहते हैं ऑपरेंड्स। अगर हम बात करें जावा में ऑपरेटर्स की, तो जावा में भी ऑपरेटर्स वैसे ही यूज होते हैं जैसे कि हम मैथ्स में यूज करते हैं। जावा में कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस का यूज होता है। अगर हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो यहाँ पर प्लस प्लस और माइनस माइनस का यूज होता है। बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, तो यहाँ पर इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू और डिवीजन और मॉड्यूलस इज इक्वल टू का यूज होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का यूज होता है। अगर हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो यहाँ पर लॉजिकल एंड जिसे हम डबल एम परसेंट लिखते हैं और लॉजिकल और का यूज होता है। और लास्ट टर्नरी ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और कोलन का यूज होता है। इन सभी ऑपरेटर्स को हम एक्लिप्स में एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ऑपरेटर नाम से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। पब्लिक स्टैटिक पर टिक एंड फिनिश। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। वन बाय वन हम इन सबको देखते हैं। सबसे पहले मैं दो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। इंट ए इज इक्वल टू 4, इंट बी इज इक्वल टू 6। अगर हम सबसे पहले प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख सकते हैं कि हम ए और बी की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो हमें जो आंसर देखने के लिए मिलेगा कंसोल पर वो 10 होगा, नो सरप्राइज। अगर हम बात करें माइनस ऑपरेटर की, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की और डिवीजन ऑपरेटर की, तो ये सभी ऑपरेटर कुछ इसी तरह से यूज़ किए जाते हैं। बट जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो यूज़ किया जाता है रिमाइंडर निकालने के लिए। जैसे कि हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं बी मॉड्यूलस ए, तो हमें 2 देखने के लिए मिलेगा हमारी कंसोल स्क्रीन पर, क्योंकि अगर हम ए और बी का डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर में 2 मिलेगा।
अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इन सबको मैं सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर्स, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर हैं वो हैं प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। मैं वापस से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ इज इक्वल टू 5। अगर हम प्लस प्लस ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये जिस भी वेरिएबल की वैल्यू के साथ यूज़ किया जाता है तो उसमें 1 ऐड कर देता है। तो चेक कर लेते हैं system.out.println प्लस प्लस ए। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने जो ए को वैल्यू असाइन की है वो है 5, और यहाँ पर हमने किया है प्लस प्लस ए क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें 6 देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर हम इस ऑपरेटर का यूज़ ए के बाद करते हैं देखने के लिए मिलेगा 5। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमें कंसोल पर 5 देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज़ आगे करते हैं तो इसमें जो जावा है वो प्लस प्लस ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करता है फिर उसमें ए को ऐड कर देता है। वहीं अगर हम यहाँ बात करें ए प्लस प्लस की तो यहाँ पर जो वेरिएबल है ए हमारा वो प्रिंट हो रहा है और उसके बाद में एक वैल्यू ऐड हो रही है। सिमिलरली माइनस के साथ होता है system.out.println माइनस माइनस ए। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें 4 देखने के लिए मिलेगा क्योंकि पहले ये एक माइनस करेगा और फिर प्रिंट करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें स्क्रीन पर 4 देखने के लिए मिल रहा है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब अगर हम माइनस माइनस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं ए के बाद तो हमें देखने के लिए मिलेगा 5, जो कि हम चेक कर लेते हैं system.out.println ए माइनस माइनस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कंसोल स्क्रीन पर 5 है। बढ़ते हैं हम अपने अगले ऑपरेटर की तरफ, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें वन बाय वन हम इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ int a इज इक्वल टू 10। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ किया है इज इक्वल टू करें तो यहाँ पर है नेक्स्ट ऑपरेटर प्लस इज इक्वल टू बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी एक वेरिएबल में वैल्यू ऐड कराने के लिए, जैसे कि a प्लस इज इक्वल टू 5। अब अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं system.out.println, अब अगर हम a को प्रिंट कराते हैं तो हमें 15 देखने के लिए मिलेगा। ये 15 हमें देखने के लिए इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो कोड है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है a इज इक्वल टू a प्लस 10 सॉरी 5। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी ए में स्टोर करना हमें और ए की वैल्यू है जो है 10 और हम 5 ऐड कर रहे हैं इसमें, तो 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 और वो हमें प्रिंट होकर हमारी कंसोल स्क्रीन पर दिख रहा है। सिमिलरली हम बाकी सभी ऑपरेटर्स को भी कुछ इसी तरह से यूज़ करते हैं।
अब अगर हम बात करें रिलेशनल ऑपरेटर की, तो जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है उसमें लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। हम वापस से दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 5, इंट बी इज इक्वल टू 6। अगर हम फर्स्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी जो कि फॉल्स है, तो हमें जावा फॉल्स रिटर्न करेगा। एक्चुअली मुझे इसे कमेंट आउट करना पड़ेगा पहले। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न करेगा जावा। वहीं अगर हम बात करें लेस देन ऑपरेटर की, अगर हम लेस देन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कंडीशन हो रही है ट्रू, तो जावा हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम बात करें ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू की, तो यहाँ पर वैल्यू या तो ग्रेटर होनी चाहिए या फिर उसके बराबर। तो इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे ए है हमारा 5 जो कि लेस देन है और इक्वल टू बी। क्या ए बी से छोटा है या बराबर है? अगर है तो जावा हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जावा ने हमें ट्रू रिटर्न किया है। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर के साथ भी ऐसा ही होता है। अब अगर हम बात करते हैं डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर की, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पर लिखा है क्या ए बी के बराबर है? अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा जावा, और नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फॉल्स रिटर्न करेगा जावा, क्योंकि 5 और 6 जो ए की वैल्यू है वो है 5 और जो बी की वैल्यू है वो 6। अब बात करते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर की, तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर में हमें जावा चेक करेगा क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है। अगर है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर ए और बी की वैल्यू अलग अलग है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ सबसे पहले। लॉजिकल ऑपरेटर में होता है डबल एम्परसेंट और डबल पाइप ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को जावा में पाइप ऑपरेटर कहते हैं। सबसे पहले मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 5, इंट बी इज इक्वल टू 6, इंट सी इज इक्वल टू 7। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर को। तो
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर में अगर सारी कंडीशन ट्रू होती हैं तब ये हमें ट्रू रिटर्न करता है, अगर यहाँ पर एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमें ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और पाइप ऑपरेटर को चेक कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए इज लेस देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन हमारी ए इज लेस देन बी, तो फाइव इज लेस देन सिक्स जो कि ट्रू है। बट अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर बी इज ग्रेटर देन सी जो कि फॉल्स है हमारी कंडीशन। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि और ऑपरेटर में अगर सभी कंडीशन में एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जो कि है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर की बात करें तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली यूज़ किया जाता है कंडीशन चेक करने के लिए। इस ऑपरेटर का भी एक एग्जांपल देखते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंट ए इज इक्वल टू फाइव इंट बी इज इक्वल टू सिक्स। एक वेरिएबल और क्रिएट करते हैं जिससे जिसका नाम हम देते हैं सी और कंडीशन देते हैं एक कि जो ए है वो लेस देन है बी से तो ए प्रिंट करना नहीं तो बी। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ये एरर क्रिएट करेगा वरना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैं यहाँ पर सी पास कर देता हूँ और चेक करते हैं हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कंडीशन ट्रू है क्योंकि ए है वो फाइव है और जो कि बी है वो सिक्स है, इसीलिए हमारा ए प्रिंट हो चुका है। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा बी प्रिंट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बी प्रिंट हो चुका है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।